शुक्रवार की शाम नेशनल हाईवे नंबर 56 पर दहशत का माहौल देखने को मिला, जब रायपुर की ओर से डामर भरकर आ रही टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। टैंकर चालक और हेल्पर ने किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, वहीं टैंकर जलकर खाक हो गया। भिलाई शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली नेशनल हाईवे नंबर 56 पर उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब रायपुर की ओर से डामर भरकर आ रही टैंकर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसने अपने आसपास खड़े कुछ वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और यह आग दुकानों की तरफ भी बढ़ने लगी। इसी बीच यातायात विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और तत्काल फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाकर लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस बीच रोड से गुजरने वाले काफी भयभीत हो गए थे, परंतु यातायात विभाग के जवानों ने अपनी सूझबूझ से अधिकारियों के निर्देश पर यातायात को बखूबी संभाला और रूट को डायवर्ट कर लोगों को सुरक्षित रखने की दिशा में सफल कदम उठाया। घटना की जानकारी यातायात DSP गुरजीत सिंह ने मीडिया को दी। कल शाम को तकरीबन 8:45 बजे के करीब सूचना आई हमारे हाईवे 2 के पास कि एक टैंकर है जिसमें आग लग गया है। ये शोरूम के पास में सुपेला और पावर हाउस के बीच में रायपुर से दुर्ग रोड पे एक टैंकर पे आग लग गई थी। ऐसी सूचना पे हाईवे 2 वहाँ पर पहुँचा और देखा कि उसमें पूरी तरीके से आग लगी हुई थी और समझ में भी नहीं आ रहा था कि गाड़ी कौन सी है। बाद में पता चला कि उसमें तारपोल लोड था और ड्राइवर को जैसे ही खबर मिला तारपोल लोड है, वो थोड़ा कोशिश करता है, तब तक के पूरी गाड़ी पे आग भड़क चुकी थी। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा तत्काल सड़क को डाइवर्शन किया गया और पूरे सड़क को खाली कराया गया नेशनल हाईवे को। पावर हाउस से हम लोगों ने डाइवर्शन किया, कुर्सी पार से हेवी गाड़ियों को डाइवर्शन चालू किया। साथ ही साथ हम अपोजिट सड़क से जो रायपुर दुर्ग से रायपुर जाने वाले यात्री हैं उनकी भी सुरक्षा की दृष्टिगत 18 नंबर सड़क से सुपेला से हम लोगों ने डाइवर्शन किया ये मशक्कत। और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, हमारे SDRF की टीम आई, साथ ही साथ हम BSP की टीम को भी कॉल किए और उनकी मदद से उस आग पर काबू पाया गया। उस पूरे घटनाक्रम में लगभग 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत लगी और आग पर काबू पाया गया और किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई, एक्सेप्ट कि वो टैंकर पूरी तरह जल के ख़त्म हो चुका है। सर, आग लगने के कारणों का कुछ पता चल पाया? अभी आग लगने के कारण है जो फायर एक्सपर्ट्स हैं और इनकी SDRF की टीम आज उस पर वो करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि आग किन कारणों से लगी। डामर से भरे टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से इसे देखा जा सकता था और दूर से देखने पर भी भय का माहौल उत्पन्न हो रहा था। परंतु इन सभी के बीच दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग की भूमिका काफी सराहनीय रही, जिसने मौके पर पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। इस बीच टैंकर के ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है और इसकी छानबीन जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।